दिन का लॉन्ग हॉलीडे सुन के दोस्तों, इस खुशी में तो मार्केट ने आज के दिन ही हॉलीडे अनाउंसमेंट कर दिया। कंप्लीटली सोने वाला मार्केट बोलूं या फिर टॉर्चर वाला मार्केट बोलूं या फिर एक्साइटमेंट में आज के दिन ही मार्केट ने बोला कि भाई मैं छुट्टी लेता हूं, आप लोग करते रहो ट्रेड। लेकिन जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी के अभी जाके वीडियो को पॉज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मार्केट जब हॉलीडे पे नहीं रहता, अपना रियल रूप दिखाता है ना, तो हर मोमेंटम हम कैच करते हैं। जैसे उस दिन 46,771 के ऊपर मैंने बाय करने को दिया था और जैसे ही दोस्तों लेवल ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं 540 पॉइंट का मोमेंट दिया। क्लियरली मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया था, दो ग्रीन कैंडल क्लोज होते हैं कॉल बाय करना है। और जैसे ही दोस्तों ये सेटअप एक्टिवेट हुआ, अपसाइड का कंटिन्यू मोमेंटम, यही तरह का लेवल मैं हर दिन देता हूं, लाइव मार्केट में दोस्तों अपडेट करता हूं, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल ये वीडियो है, और ये वीडियो दोस्तों मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल के नाम ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे। बस फटाफट मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने कोई भी कॉल पुट होल्ड किया है अभी के अभी कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं रिप्लाई दे दूंगा मंडे सुबह 8:45 के बाद, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी छोड़ो मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस, ये स्पेशल वीडियो है। आप बोलोगे कि भाई अगला वीडियो कहां गया, आपने अभी अभी जो नाम लिया मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी कहां गया? मेरे भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको एक ही काम करना है, आप समझते क्यों नहीं हो यार? मैं हर दिन आप लोगों को बोलता हूं, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री में है, क्या पैसा लग रहा है? सच में बोलिए, आपको पैसा लग रहा है एक रुपए भी तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि सेकंड वीडियो 6 बजे आ रहा है दोस्तों, लॉन्ग हॉलीडे है, एंजॉय कीजिए ये वीडियो को। ये वीडियो पे एक ही इंडेक्स एनालिसिस करेंगे, 6 बजे सेकंड वीडियो आ जाएगा। रोज मैं 2 वीडियो डालता हूं, जो लोग न्यू देख रहे हैं दोस्तों उनके लिए बोल रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए और जाके फ्री वाले ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल, क्योंकि भाई आखिर में आते आते जो डरावना क्लोजिंग दिया ना, वही सस्पेंस क्रिएट करके गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लान नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। अगला वीडियो आ रहा है 6 बजे, करेक्ट में डाल दूंगा अभी अभी। तो देखिए सिंपल बात है दोस्तों, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुला, सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा प्लान नंबर ए एक्टिवेट होने के लिए 10,859 अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो मेरे भाई इसके नीचे आप पुट बाय कर सकते हैं। 10,859 के नीचे अगर कहीं ना कहीं सस्टेन कर दिया तो डेफिनेटली दोस्तों हमें पुट ही बाय करना है। रीजन क्या है मेरे भाई? रीजन सिंपल है, अगर आप देखोगे आज के दिन पूरे दिन कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी साइडवेज रहा, आखिरी टाइम पे अपना सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दे दिया है। तो मेरे भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए एक छोटू सा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट उस दिन एक अपसाइड का मूव किया, कल के दिन एक डिप मारा और यहाँ पे क्लोज दिया था। तो ये जो डिप मार के थोड़ा सा ऊपर गया ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये एक क्लियरली बन जाता है सपोर्ट। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर 10,859 के नीचे अगर जाता है तो हमें पुट ऑप्शन को खरीदना है। ये प्लान नंबर ए पे प्रॉपर आप कहीं ना कहीं माइंडसेट बना के रख लीजिए। प्लान नंबर बी की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर लाइक मंडे के दिन फ्लैट खुला और उसके बाद अगर ऊपर गया, और ये लेवल को आप नोट कर लीजिए 10,884 से 10,892, यहां से एम पैटर्न बना सेल करना है, इस जोन को टच करके लोअर लो बना सेल करना है। इस जोन पे अगर मान लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन वाला कैंडल दिखा तो उसका अगर लो टूटता है तब भी सेल करना है। यानी कि मैं क्लियरली आपको बोल सकता हूं कि 10,884 से 10,892 ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था और आज के दिन इसके ऊपर मार्केट गैप अप खुला, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, ओके अगेन यहां पे सपोर्ट लिया और आखिरी टाइम पे कहीं ना कहीं आते आते तोड़ दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये जो मतलब यार कल ही रेजिस्टेंस था, आज के दिन गैप अप खुल के सपोर्ट लिया 4-5 बार यार आज के पूरे दिन। देखो यहां पे अगर आप देखोगे आ रहा था उछल रहा था फिर आया उछला, फिर आया उछला, आखिरी टाइम पे जाके कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया है। तो अब ये सपोर्ट जब ब्रेकडाउन कर चुका है ना, यहां से फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां से हमें सेल करना है। ओके क्लियर हो गया? तो इसके
पास जाएगा इस जोन पे, और यहां से कोई भी आपको नेगेटिव पैटर्न दिखा तो हमें सेल ही करना है। क्लियर है दोस्तों पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं प्लान सी पे। प्लान भी क्लियर है। प्लान सी क्या है? अगर मार्केट लाइक मंडे के दिन गैप अप के साथ ओपन होता है तो मेरे भाई एम पैटर्न बनते हैं सेल कीजिए, लोअर लो बनते हैं सेल कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर रहा एंड देन अगर ब्रेक डाउन कर रहा है मंडे के दिन गैप अप खुलने के बाद तो सेल कीजिए। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये एक प्रॉपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन अब बन चुका है। यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे पहले से तो रेजिस्टेंस था, इतना तगड़ा गिरावट आया था। आज के दिन भी अगर आप देखोगे दोस्तों कितनी ही बार कहीं ना कहीं यहां से ट्रिपल टॉप बना के मार्केट नीचे गिर चुका है। तो सीधी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मंडे सीधा यहां पे खुला, इस एरिया के आसपास भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया तो जितने भी दोस्तों यहां पे सब सेलर लोग बैठे हैं ना, वो वैसे भी कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इन टिक नहीं पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर कॉल होल्ड करके गया है, अगर मंडे के दिन गैप अप खुलते ही 3 दिन वो टेंशन में रहेगा, वो आदमी गैप अप खुला मंडे के दिन सीधा एग्जिट मारेगा, अपने बाय पोजीशन एग्जिट करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो हमें सेल की तरफ ही सोचना है। रीजन आपको पता चल गया दोस्तों। पहले आते हैं टेक्निकल, उसके बाद आते हैं लाइक साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी कुछ भी आप पकड़ लीजिए, दोनों एक साथ मिला लीजिए ठीक है। साइकोलॉजी के हिसाब से मंडे गैप अप खुला, जो भी कॉल वगैरह बाय करके गए बेच करके गए फंसे, अगर उनका लक सही रहा गैप अप खुल गया तो अच्छी बात है, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं और ऊपर से जितने भी सेलर लोग हैं दोस्तों ये स्ट्रांग अब रेजिस्टेंस बन चुका है तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तो बाइंग नहीं होगा, और गैप अप खुला तो फिर सेलिंग प्रेशर ही आ जाएगा। अगर मैं बात करूं प्लान डी का, तो अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे ही सही, तो मेरे भाई डब्लू पैटर्न बनते हैं बाय कीजिए, या फिर खुलते हैं ऊपर गया फिर एक डिप मारा फिर इस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है बाय कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं एक 5-15 मिनट का जो कैंडल बनेगा पहला कैंडल उसका हाई टूटते हैं बाय कीजिए, अगर मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन खुला तो। क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं सपोर्ट को तोड़ के क्लोजिंग हुआ है, तो कितने भी सारे लोग यहाँ पे पुट बाय करके गए होंगे एक नेगेटिव साइन के साथ क्लोज दिया है। तो मंडे अगर मान लेते देखो ये एक सपोर्ट है, मतलब पहले रेजिस्टेंस था इसको तोड़ दिया तो अब ये सपोर्ट बन चुका है, यहां से यहां पे खुला तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है यहां से ऊपर उठेगा, इसके नीचे और एक सपोर्ट है इसके ऊपर, तो यार बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल है नीचे, तो गैप डाउन खुला तो और स्पेस नहीं बचेगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। और पैटर्न क्या देखना है, डब्लू पैटर्न या फिर हायर हाई ठीक है। अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे। 10,800 पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया, 875 पे क्लोज दिया है दोस्तों मिड कैप निफ्टी। अब आ चुके हैं मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर ये हमारे पुट राइटर, और ये क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस ये क्रिएट करते हैं सपोर्ट, और यहां पे दोस्तों आप सबको पता होगा 25-25 पॉइंट के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, जैसे निफ्टी में 50-50 पॉइंट, 22,250 कॉल, 22,300 कॉल, 22,350 कॉल, इस टाइप का बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट का, तो 25-25 पॉइंट का ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 10,875 पे क्लोज दिया है, तो चलिए देख लेते हैं फिर 10,875 यहां पे, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 10,900 पे, मैसिव में कहना चाहूंगा, ओह बाप रे, 16,64,000 से ज्यादा कॉल राइटर 10,900 के लेवल पे, 16 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं भाई। 10,925 पे देखो आप 6 लाख, 10,950 पे 7 लाख, 10,975 पे 3 लाख, 11,000 पे 8 लाख, भाई यहां पे आगे का मतलब 11,150 के लेवल पे भी इतने मतलब ऊपर के भाई स्ट्राइक प्राइस भी इतने कॉल राइटर नहीं, कहीं पे डबल डिजिट है ही नहीं सिवा एक को छोड़ के 10,900, 16 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आज का आखिरी डाउन मूव उनको एक उम्मीद दिया, उनको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया, इसीलिए डबल डिजिट में बैठे हैं कॉल राइटर, झूठ नहीं बोल रहा भाई आपके सामने है, आप क्लियरली देख सकते हैं कहीं पे भी डबल डिजिट में डाटा नहीं है सिवाय 10,900 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो 10,900 के ऊपर अगर मंडे के दिन ब्रेकआउट कर दिया, फ्लैट खुल के फिर सस्टेन हुआ, देन डेफिनेटली दोस्तों हमें फिर बाइंग की तरफ प्लान करना है, रेजिस्टेंस टूटा शॉर्ट्स कवरिंग आएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की अगर मैं बात करूं तो 10,900 पे भी यहां पे भी पुट राइटर अच्छा खासा है, 8,84,400 से ज्यादा पुट राइटर 10,900 के लेवल में बैठे हैं,
10,000 यहाँ पे देखोगे 10,875 पे 4,00,000 और 10,850 पे 6,00,000, ठीक है। 10,900 के नीचे भी अगर जाएगा तो भी डाउनसाइड, और 10,850 के नीचे आएगा जहाँ पे 6,00,000 पुट राइटर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा डाउनफॉल मोमेंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे की पूरे? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन हो जाइए, अपने मम्मी पापा को हमेशा प्यार दीजिए दोस्तों, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी के अभी 6 बजे करेक्ट में आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आज के दिन की बात करूँ, साइडवेज रहा पिछले कुछ दिन से, मैं मुझे पता है कि कुछ बड़ा मूव नहीं आया जैसे पिछले हफ्ते आई थिंक फ्राइडे के दिन आया था, बट इट्स ओके, जब भी ट्रेंडिंग मूव मिलेगा देन डेफिनेटली वो मूव को कैसे भी करके हम कैच करते हैं, बस ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए।